श्री रामचरित मानस को फाड़ दिया गया, कुछ नया नहीं हुआ। ग्रंथों को नष्ट करना जालिमों और बेवकूफों दोनों के लिए जरूरी हो जाता है। सन 1199 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा कैसे फूंका था ये गूगल कर लीजिएगा। एक ढूंढेंगे 100 कहानियां मिलेंगी, जहां लोग तीर तलवार तोप और बारूद से नहीं किताबों से घबरा गए। इस बार निशाने पर हैं गोस्वामी बाबा तुलसीदास। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्री रामचरित मानस में लिख दिया, ढोल गंवार सूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दलितों और महिलाओं का घोर अपमान कर दिया बाबा ने, और अपमान हुआ है ये समझने में हमको 400 साल लग गए। बड़ा लेट रिएक्शन आया, धक्का 400 साल पहले दिया, गिरे अब। मैं बाबा तुलसीदास में अटूट श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन वो तो पूरा देश रखता है। 150 को छोड़ दीजिए, तो कौन है जो बाबा का भक्त नहीं है। लेकिन आज मैं बाबा को एक श्रद्धालु की तरह नहीं, एक राइटर की तरह अप्रोच करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या उन्होंने ये चौपाई लिखकर गलत किया। अब बाबा होते तो मेरी ज़रूरत नहीं थी, सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्राइम टाइम तक हर जगह अपनी सफाई खुद पेश कर देते और बात साफ हो जाती। लेकिन बाबा सशरीर है नहीं, इसलिए मुझे ही बोलना पड़ेगा। सिर्फ 2 मिनट मुझे गौर से सुनिएगा, ढोल गंवार का पूरा सच आपके सामने आ जाएगा। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। बचपन में तहलका फिल्म देखी थी, जिसमें अमरीश पुरी साहब ये डायलॉग बोलते हैं। तो क्या फिल्म के राइटर्स कहना चाह रहे थे कि डोंग सचमुच ऊपर वाले से बड़ा है? नहीं भाई, ये तो एक विलेन ने बोला, और विलेन तो वही बोलेगा जो उसका कैरेक्टर है, उसका चरित्र है, यानी गलत बात बोलेगा। इसे फिल्म के राइटर का विचार नहीं माना जा सकता। पॉइंट यही है, जब फिल्म के डायलॉग उसके कैरेक्टर के विचार हैं, राइटर के नहीं, तो फिर श्री रामचरित मानस में खलनायक समुद्र के विचार बाबा तुलसीदास के विचार कैसे हो गए? श्री रामचरित मानस एक प्रबंध महाकाव्य है, जैसे नॉवल या फिल्में होती हैं। प्रबंध साहित्य वो है जिसकी कहानी में एक स्टार्ट हो, एक मिडल हो और एक एंड हो, और उसमें जो कैरेक्टर जैसा है उसके डायलॉग्स वैसे ही हों, यानी हीरो सही बात करे और विलन गलत। ढोल गंवार सूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई को या इस डायलॉग को संदर्भ और प्रसंग के साथ, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ समझेंगे, तभी बात समझ में आएगी। सीन देखिए पहले, श्री राम 3 दिन तक समुद्र से विनती करते रहे, मुझे लंका जाने का मार्ग दे दो भाई, मेरी पत्नी के प्राण संकट में हैं। समुद्र ऐसा अहंकारी के मार्ग छोड़िए उत्तर तक नहीं दिया। फिर श्री राम को क्रोध आ गया, उन्होंने चढ़ाई प्रत्यंचा और कह दिया कि मैं अहंकार की छाती में अग्नि बाण गाड़ने के लिए विवश हूं, भय बिन होए न प्रीत। बात तो सच है, समुद्र का अहंकार टूट गया और वो मणियों रत्नों सहित त्राहि त्राहि करता हुआ श्री राम की शरण में आ गिरा। अब समुद्र जो कहता है उसे ध्यान से सुनिए, सारा भेद सारा सीक्रेट यही छुपा है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हकई नाथ सहज जड़ करनी, प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, ढोल गंवार सूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। समझाता हूँ क्या कहा समुद्र ने। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आकाश हवा धरती और वायु की तरह जल भी जड़ है, मैं भी जड़ हूँ, मुझमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। प्रभु आपने मुझे अपनी बनाई हुई मर्यादा की शिक्षा दी, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए अब मेरी बुद्धि जागृत हो गई है। समुद्र इसके आगे प्रतीकों में बात करता है, मेटाफर्स में बोलता है। वो कहता है ढोल यानी एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसे बिना सीखे नहीं बजाना चाहिए, वरना संगीत की जगह शोर निकलेगा। गंवार यानी अशिक्षित ग्रामीण। अब गंवार कोई गाली नहीं है जो हम आज मानते हैं, जो गांव में रहे वो गंवार, ये सिर्फ ग्रामीण का अवधि रूप है। शूद्र यानी कर्म के आधार पर विभाजित समाज में चौथे तबके के, फोर्थ क्लास, चतुर्थ वर्ण के लोग। इनका आज के शेड्यूल कास्ट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर भी मानते थे। तो शूद्र SC ST या OBC को नहीं कहा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे समुद्र कहता है पशु यानी मनुष्य को छोड़कर सभी जीव जंतु, और नारी जिसे मिडिवल पीरियड में शिक्षा से दूर रखा गया था। आपने जो शिक्षा मुझे दी है उस पर इन सब का भी अधिकार है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इन सबको ये शिक्षा मिलनी चाहिए जो आपने मुझे दी। समुद्र के ऐसे विनीत वचन सुनकर श्री राम उसे क्षमा कर देते हैं, और फिर समुद्र के ही परामर्श से नल और नील समुद्र पर संसार का सबसे प्राचीन सेतु बना देते हैं, जिनके पत्थर इतिहास के अथाह सागर पर आज भी तैर रहे हैं।
अब आप ही बताइएगा, ढोल गंवार सूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये श्री राम के थॉट्स हैं या गोस्वामी तुलसीदास के? दोनों के नहीं, ये विचार शत प्रतिशत 100% समुद्र के हैं और किसी भी एंगल से गलत नहीं है। जरूरत है सिर्फ खुले और साफ मन से एनालाइज करने की, सोचने की, समझने की। गोस्वामी बाबा तुलसीदास दलित विरोधी होते तो क्या निषादराज, केवट और शबरी को रामायण में सह नायकों की भूमिका देते, अनगिनत चौपाइयों में उनकी प्रशंसा करते? और यदि वो नारी विरोधी होते, नारी कहा मैंने, ध्यान दीजिएगा, औरत नहीं। आशा करता हूँ अब तक आप भी अपने आसपास के सम्मानित महिलाओं को औरत कहना छोड़ चुके होंगे। जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे हैं वो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो बाबा तुलसीदास अगर नारी विरोधी होते तो क्या देवी अहिल्या, जिनका शील भंग किया गया था, क्या उनको इतना सम्मान देते जितना दिया है? रामचरितमानस या किसी भी ग्रंथ को जलाकर आप बख्तियार खिलजी की टीम में शामिल होना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, वरना सच तो ये है कि कुछ पन्ने जलाने से न राम की महिमा जलाई जा सकती है न तुलसी का तेज। मैसेज एकदम क्लियर है, अफवाहों पर न जाएं, अपना दिमाग लगाएं। जय श्री राम, जय बाबा तुलसीदास।